वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम रिलायंस कैपिटल स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे। जैसे कि आप सभी जन जाते हैं कि रिलायंस कैपिटल के अंदर ट्रेडिंग को बैन किया है, रेस्ट्रिक्ट किया गया है आईबीसी ने, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी ने। किस लिए किया है वो सभी जन जानते हैं, पर रिसेंटली देख सकते कि रिलायंस कैपिटल के ऊपर बीड आ रहे थे। उनमें से एक जो बीडर है, यहाँ पे आप देख सकते तकरीबन वही खास न्यूज, यहाँ पे आप देख सकते रिलायंस कैपिटल नाउ अ थ्री हॉर्स रेस एज कॉस्मिया पिरामल कंबाइंड डिसाइड टू ड्रॉप आउट। मीन्स कॉस्मिया पिरामल जो है वो यहाँ पे आप देख सकते तकरीबन वो रिलायंस कैपिटल के बिडिंग रेस से बाहर हो चुके, उन्होंने एग्जिट ले ली है। वो यहाँ पे आप देख सकते एक न्यूज है रिलायंस कैपिटल के, मीन्स यहाँ पे जो एक उनका बिडर था वो यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ चुका है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, मीन्स तकरीबन रिसेंटली देखा जाए तो बाकी के डिटेल के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जैसे कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ कंपनी इज सस्पेंडेड फ्रॉम ट्रेडिंग। तो रिसेंटली देख सकते हैं कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, मीन्स उसी की वजह से देख सकते कि क्या हो जाता है। इट ओनली मीन्स दैट दे आर नॉट अलाउड टू ट्रेड ऑन एक्सचेंज, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते ट्रेडिंग करने को अलाउ नहीं होता है एक्सचेंज के ऊपर। और सस्पेंशन ऑफ कंपनी फ्रॉम ट्रेडिंग बाय द एक्सचेंज माइट बी अ सेवरल रीजन, बट इफ द कंपनी इफ द सस्पेंडेड कंपनी कंप्लाइज विद ऑल रेगुलेशन द सस्पेंशन विल बी रिवोक्ड एंड शेयर्स विल स्टार्ट ट्रेडिंग वंस अगेन। और यहाँ पे देख सकते हैं अगला जो यहाँ पे आप देख इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है, हमने टाइम स्कैन एक्सटेंशन भी अलाउड, एक्सटेंशन कितने टाइम अलाउ हो सकता है। तो देख सकते 180 डेज का यहाँ पे एक्सटेंशन होता है आईबीसी की तरफ से और एक्सटेंडेड 90 डेज एक्सटेंशन करते हैं, टोटल मिला के 270 डेज का एक्सटेंशन होता है, उसके ऊपर नहीं अलाउ किया जाता है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे रिलायंस कंपनी, रिलायंस कैपिटल के लिए।